दक्षिण में पहले भी डेली क्लास करते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्ञान बहुत अच्छे से आता है, आप कुछ भी कैसे पूछ सकते हो, बाबा कहाँ रहता है, पढ़ना क्या है, तो थोड़ा मुझे बताओ स्टेज पे करना है। कह रहे बच्चों जो भी पूछ लो, मैं मधुबन में भी करता हूँ लेकिन मुझे सुनाना है ज्ञान। तो कितनी देर सुनाएंगे? थोड़ी देर। मैंने कहा कौन से सेंटर से आए हो ये तो नहीं पता, लेकिन ज्ञान आता है। तो थोड़ी देर, दीदी भी आ गए, आशा दीदी, दीदी भी साथ में है, ठीक है, आप बीच में चले जाओ। फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट क्लास। ओम शांति। बाबा कहता है परम धाम में आत्मा जानवर बिंदी लगाते हैं, वही पर आत्मा भी रहती है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी क्लास करवाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, हम जब भी पानी पीते हैं उसे चार बर्तन के पीना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिना चार्ज करके आप पी लो, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर बाबा आपसे गुस्सा हो जाएगा। हमें माया से बच के रहना चाहिए, माया जब हमें बाबा से दूर करती है तो हम भी बाबा से दूर हो जाते हैं और हम गलत काम कर जाते हैं। तो आज मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा, मेरे भारत में आए हैं भगवान, मेरे भारत में आए हैं भगवान, तो है राम देश वास निरंजन, मेरे भारत में आए हैं भगवान, मेरे भारत में आए हैं भगवान। थैंक यू। लास्ट सामने सृष्टि चक्र का यहाँ पे सृष्टि चक्र कह रहे थे ना, वो बता दो सृष्टि चक्र क्या होता है। सृष्टि चक्र होता है सचिव में हम महाराजा रानी ये सब बनते हैं, द्वापर युग में हम सिल्वर हो जाते हैं, सिल्वर के महल होते हैं, सिल्वर का सब कुछ होता है वहां पर, और हमारे सिल्वर के कपड़े भी होते हैं। द्वापर युग में हम गोल्डन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम वहां पर भी हमारा द्वापर युग से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कलयुग में मार जा मारना पीटना किसी से कोई चीज छीन लेना ये सब होते हैं कलयुग में। संगम युग पे हमें बाबा मिलते हैं और कलयुग पे भी। थैंक यू। आपका नाम? समर विंटर, समर इनका नाम है। Thank you.